अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टी वी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार, आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखा करो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बरकतपुरा में गुटके और जर्दे का भारी जखीरा बरामद करते हुए पुलिस ने जब्त कर लिया। इस कारोबार में मुलविस एक सियासी कायद की गिरफ्तारी अमल में आई। ये गुटका करीब 12 लाख मालियती है। आरमूर में गैर मजाज तामीरात की इतला पर चेयरपर्सन आरमूर बल्दिया और कमिश्नर बल्दिया का दौरा। उन्होंने तामीरी कामों का जायजा लिया और कहा कि बगैर इजाजत तामीर को मुनादिम कर दिया जाएगा। उन्होंने तामीर इजाजत लेने की हिदायत दी। पोचाराम भास्कर रेड्डी के हाथों धान की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि धान सरकारी मराकज पर ही फरोख्त करें क्योंकि हुकूमत बेहतरीन कीमत फराहम कर रही है। इंदलवाई तालाब में पड़ने वाले शिगाफ का साबिक एमएलसी भूपत रेड्डी ने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गैर मियारी तामीर इस शिगाफ का सबब है। बरसर इख्तदार पार्टी के गुत्तेदारों ने ये काम किया था। अब खबरें तफसील से। टू टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में बरकतपुरा में बड़ी मकदार में गुटखा और जर्दा पकड़ा गया। इस सिलसिले में एक सियासी कायद की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पुलिस टास्क फोर्स ने एक इतला पर यह धावा किया और इस कायद के मकान से गुटखे और जर्दे की भारी मकदार को बरामद कर लिया। टू टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुटके और जर्दे के गैर कानूनी जखीरे को बरामद करते हुए जब्त कर लिया और गुटके के नाजायज कारोबार में मुलविस एक सियासी कायद को भी गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स पुलिस निजामाबाद ने एक इतला पर सियासी कायद एनआरआई जावेद के मकान पर धावा किया और इनके घर से गैर कानूनी गुटके और जर्दे की बड़ी मकदार को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक ये गुटका और जर्दा करीब 11,50,000 रुपये मालियती है, जिसमें अंबर जर्दा और सागर गुटके के अलावा दीगर जर्दे और गुटके शामिल है। पुलिस ने इस मौके पर जर्दे और गुटके के कारोबार में मुलविस रहने वाले एनआरआई जावेद को भी गिरफ्तार करते हुए टू टाउन पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। वाज़ह रहे कि शहर में पुलिस गुटके और जर्दे के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ सख्ती से सरगर्म है और बड़े पैमाने पर गुटका और जर्दा पकड़ा जा रहा है और कई गिरफ्तारियां अमल में आ रही है। गुटके पर रियासत में पाबंदी है और ये कारोबार खिलाफ कानून है, लिहाजा कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कार्तिकिया ने सख्ती से अहकाम जारी किए कि गुटके के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ शिकंजा कसा जाए। इसके बाद पुलिस बिलखसूस टास्क फोर्स गुटके के खिलाफ सरगर्म है और हालिया अरसे में बड़े पैमाने पर गुटका पकड़ा गया। हल्का असम्बली बांसवाड़ा में सबसे पहले मौजे पालियम में रेतु वेदिका भवन की तामीर मुकम्मिल हुई। इस भवन का मुरतार तहसीलदार श्रीधर ने जायजा लिया और उसको अपनी तहवील में ले लिया। उन्होंने तेज रफ्तार तकमील पर अपनी खुशी का इजहार किया और बताया कि रियासती वजीर वेम्बुला प्रशांत रेड्डी ने इसका संगे बुनियाद रखा था। मोरतार मंडल के मौजे पालम में नव तामीर शुदा रेतु वेदिका भवन की इमारत को आज मोरतार तहसीलदार श्रीधर के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार श्रीधर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतादी तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। किसानों के इजलास और मशावरत के लिए हर मंडल और हर मौजेजात में रेतु वेदिका भवन की तामीर करवाई जा रही है। हल्के असम्बली बांसवाड़ा की हदूद में मोरतार मंडल के मौजे पालम में मुकम्मल होने वाला ये भवन पहला भवन है जो मुकम्मल हो चुका है और अब किसान इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। रियासती वजीर आरएनबी वेम्बुला प्रशांत रेड्डी ने 22 लाख की लागत से इस वेदिका भवन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा था जो हल्के असम्बली बांसवाड़ा में सबसे पहला मुकम्मल हो जाने वाला भवन बन गया। तहसीलदार श्रीधर ने इस भवन का जायजा लिया और इसके तामीरी कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा वाइस एमपीपी श्रीनिवास, टीआरएस अखिलियती सेल कायद आरिफ, सरपंच के अलावा दिगर मौजूद थे। भीमगढ़ में कई मुस्तक अफराद में सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में आई। वे चेक मुकामी कायदीन ने मुस्तक अफराद के हवाले किए। मोहम्मद अब्दुल मोईज ने बताया कि रियासती वजीर वेम्बुला प्रशांत रेड्डी ने यह इमदाद मंजूर करवाई है। उन्होंने रियासती वजीर आला केसीआर को भी अवाम दोस्त कायद करार दिया।
भीमगढ़ मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात में आज सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने इन मुस्तहकीन के लिए सीएम रिलीफ फंड से रकमी इमदाद की मंजूरी अमल में लाई। आज इन चेकों की जेडपी कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोईस, जेडपी चोटपली रवि और भीमगढ़ मंडल टीआरएस सदर नरसैया के हाथों इन चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मोईज़ ने कहा कि रियासती वजीर ने हमेशा ही अवामी मसाइल को अव्वलीन तरजीह दी है और अवाम को बरवक्त फलाह स्कीमात से मुस्तफ़ीद करवाया। इसी तरह बीमार अफराद के लिए सीएम रिलीफ फंड से बरवक्त इमदाद फ्राहम करते हुए इनके इलाज को यकीनी बनाया। उन्होंने रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी को एक हरकियाती और अवाम दोस्त कायद करार दिया और कहा कि रियासती वजीर अला केसीआर अवाम की बरवक्त मदद करते हुए उन्हें खुशियाँ फ्राहम कर रहे हैं। बीमारी से परेशान और इलाज से खासिर लोगों के लिए सीएम रिलीफ फंड से इमदाद दी जाती है ताकि ये लोग बेहतर से बेहतर इलाज हासिल कर सकें। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने अपने हलके की आवाम को इस फंड से मुस्तफीद करवाया है। सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम के मौके पर बालकुंडा टीआरएस सदर का बयान। बालकुंडा मंडल के 5 मौजजात के 11 अफराद में सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर बात करते हुए बालकुंडा टीआरएस पार्टी के सदर बी प्रवीण रेड्डी ने बताया कि रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने इन चेकों को मंजूर करवाया है। ये चेक जुमला 3,39,500 रुपये मालियती है। उन्होंने कहा कि कई गरीब अफराद हैं जो महंगे इलाज से खासिर है और परेशानियों का शिकार रहते हैं। ऐसे अफराद को इलाज की सहूलत फ्राहम करने के लिए सीएम रिलीफ फंड से इमदाद फ्राहम की जाती है और इस सीएम रिलीफ फंड से रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी अपने हलके की अवाम को मुस्तफिद करवा रहे हैं। उन्होंने रियासती वजीर से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में इनके हमरा डी वेंकटेश लिंगागौड़, पी विद्यासागर, रहीमुद्दीन, मजहरुद्दीन और दिगर मौजूद थे। हारमोन में गैर मजाज तामीरात के ताल्लुक से इतला मिलने पर चेयरपर्सन और कमिश्नर बलदिया ने गैर कानूनी तामीरात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इनको नोटिस दी जाएगी और अगर इनके पास तामीरी इजाजत न रही तो इनकी तामीरात को मुनद्दिम कर दिया जाएगा। वार्ड नंबर 20 आरमूर के पिरकिट म्यूनसिपल अहाते में मस्जिद एजाज के करीब गैर कानूनी तौर पर तामीरात की जा रही है। इसकी खबर पाकर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन, म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा, टाउन प्लानिंग ऑफिसर चंद्रशेखर, नायब चेयरमैन शेख मुन्नू और दीगर ने दौरा करते हुए गैर कानूनी तामीरात का मुआयना किया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा ने मुखातिब करते हुए कहा कि हमें न्यूज़पेपर के जरिए इत्तला मिली कि वार्ड नंबर 20 में गैर कानूनी तामीरात की जा रही है। इस ज़िमन में दौरा किया गया। आगे बताया कि वाकई तौर पर तामीरात की जा रही है, उन्हें फाइनल नोटिस जारी की जाएगी। अगर ये तामीरात गैर कानूनी साबित हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी फर्द तामीरात में कानून की खिलाफ वर्जी ना करे। अगर आपके लिए हुए परमिशन की इजाज़त की मियाद खत्म हो जाने पर म्यूनसिपल से रिन्यूअल करवा लें। इसके अलावा म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन ने आवाम को बगैर इजाज़त तामीर ना करने की तरफ तवज्जो दिलाई। इसके अलावा वार्ड नंबर 25 में म्यूनसिपल अहदेदारों ने गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम करवा दिया, लेकिन आवाम का कहना है कि 20 नंबर वार्ड में म्यूनसिपल अहदेदारों ने सिर्फ 2 मरतबा दौरा किया और सख्त कार्रवाई ना करने की वजह से रियल इस्टेट व्यापारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ఏదైతే మాస్కు రానికొని ఉన్న ఈ స్థలంలో అక్రమ నిర్మాణాలు చేస్తున్నట్టు మనకి పత్రికా ముఖంగా రావడం జరిగింది। వీటి నిర్మాణాల మీద ఇది అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ పెరికిట్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని స్థలం ఇది। దీని మీద ఎవరైతే అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మాణాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఫైనల్ నోటీస్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది। అట్టి నిర్మాణాలు అక్రమమైనటివైతే చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోబడతాయి। దానికి అనుగుణంగా ప్రతి ఒక్కరూ గ్రామ పంచాయతీలో పర్మిషన్లు తీసుకొని ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి హెచ్చరిక ఏంటంటే పర్మిషన్ తీసుకున్న ప్రకారం నిర్మాణం చేయండి, వయలేషన్ ఉండొద్దు। మున్సిపల్ కొత్త చట్టంలో 2019 ప్రకారం ఎటువంటి వయలేషన్స్ ఉన్నా కూడా చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోబడతాయి। కాబట్టి పర్మిషన్ ఒకవేళ ల్యాప్స్ అయినా ఫర్దర్ పర్మిషన్ మున్సిపాలిటీ మీకు ఇస్తుంది, కాబట్టి తిరిగి రీఅప్లై చేయడానికి మున్సిపల్ని సంప్రదించగలరు। అక్రమ నిర్మాణాలు చేపడితే మాత్రం చట్టరీత్యా కఠిన చర్యలు తీసుకోబడతాయి। नवीपेट मुस्तकर पर मार्कंडिया मंदिर में खिदमत की गर्ज से एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें नवीपेट सरपंच श्रीनिवास को एजाजी सदर बनाया गया। उन्होंने इस कमेटी को 51,000 रुपये का चंदा देने का ऐलान किया और बताया कि इस कमेटी के जरिए मुख्तलिफ खिदमत अंजाम दी जाएंगी। नवीपेट मंडल मुस्तकर के मार्कंडिया मंदिर में नौजवानों ने खिदमत गुजारी का बेड़ा उठाते हुए नवीपेट युवा
स्वच्छता संस्था कमेटी का इंतखाब अमल में लाया और मुफ्त खिदमत गुजार कमेटी में एजाजी सदर की हैसियत से नवीपेट सरपंच ए श्रीनिवास को नामजद किया गया और कमेटी के सदर ई साई कुमार गौड़, नायब सदर जी रामू भानुगौड़ नरेश को मुंतखब किया गया और कैशर एम सतीश का इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर सरपंच ए श्रीनिवास ने इस कमेटी के मुस्तकबिल में खिदमत गुजारी प्लान्स पर हिम्मत अफजाई करते हुए 51,000 का चंदा देने का ऐलान किया, जिससे नौजवानों ने आखिरी रसूमात के लिए गाड़ी लाने के ख्याल पर खुशी का इजहार किया और उप सरपंच मलेश ने अपनी जानिब से फर्नीचर देने का ऐलान किया। इस मौके पर नई मुंतखब कमेटी के सदर साई कुमार ने बताया कि इन दो चीज़ों को मंडल के हर गाँव में जरूरत पड़ने पर मुफ्त दिया जाएगा और इस कमेटी के तहत सेवा प्रोग्राम्स भी अमल में लाए जाएंगे। ఎందుకంటే రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా నవీపేట నగర యువత ఒక స్వచ్ఛంద సేవల కోసం ముందుకొచ్చి మేమున్నాము అంటూ ముందుకు రావడం చాలా అభినందనీయము। నాకు ఈ యువత అందరిని చూస్తుంటే నాకు ఆనంద భాష్పాలు వస్తున్నాయి। ఎందుకంటే ఇవాళ చూస్తున్నాము దేశంలో రాష్ట్రంలో జిల్లాలో యువత ఎంతో మంది యువత చెడు మార్గాలకు చెడు అలవాట్లకు అలవాటవుతున్నటువంటి తరుణంలో నవీపేట యువత మాత్రము నవీపేట ప్రజలకు నవీపేట ప్రజల అవసరాలు గ్రహించి ఏమి చేస్తే బాగుంటది అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో యువత అందరూ పార్టీలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా ఇవాల ఏకమై ఇక్కడ సమావేశం జరుపుకోవడం జరిగింది। నాజరీన్ యాలత ఒక చోటా సా వక్ఫా। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार घने लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से नजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100ml 200ml और 500ml की बोतलों में दस्तियाब है, साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तियाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी अकब मस्जिद कचियान मारवाड़ी गली निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल जहाँ पर तजुर्बेकार वो माहिर डॉक्टर हम आपकी खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद एमबीबीएस एमडी पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत करदोकर एमजी नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माह डॉक्टर अरुणा करदोकर एमबीबीएस डीजीओ की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाएं, आशीर्वाद हॉस्पिटल जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद। सेलफोन नंबर 9515116233 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्तोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुतालिक जुमला इमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। हमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपना मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का चाने शाह एहतमाम किया जाता है। हम अकसाम के पकवान बनाने वाले
माहिर बर्फियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुक जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग डेकोरेशन विटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897 4 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका आखिर मकदम है। किसान अपनी मेहनत से उगाई फसलों को सिर्फ सरकारी खरीदारी मराकज पर ही फरोख्त करें और दलालों के झांसों में कतई ना आए, इस तरह किसानों को ही खसारा होगा। किसानों को DCCB बैंक चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी का मशवरा। उन्होंने वर्नी में धान की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। किसान अपनी मेहनत से उगाई हुई फसलों को अच्छे दाम पर फरोख्त करे और अच्छे दाम अब सरकारी सेंटरों में दिए जाते हैं। DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी का बयान। उन्होंने वर्नी मंडल मुस्तकर पर हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी का सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि किसान अपनी फसलों को सिर्फ हुकूमत की जानिब से लगाए गए धान खरीदी सेंटरों पर ही फरोख्त करते हुए अच्छे दाम पाए और दलालों को फरोख्त करके धोखा ना खाए, दलालों से ज्यादा दामों की उम्मीद में नुकसान ना उठाए, क्योंकि कोई भी प्राइवेट खरीदार हुकूमत से ज्यादा दाम अदा नहीं कर सकता। पहले सरकारी तौर पर ऐलान किए गए कीमतों से ज्यादा मिलने पर किसान अपनी फसलें बाहर भी फरोख्त कर सकते हैं। इस मौके पर मार्केट कमेटी सदर बी संजीव, जिला सरपंच कमेटी नायब सदर एन बाबू, वर्नी TRS कायद गोपाल, सोसाइटी सदर संजीव रेड्डी वगैरह भी मौजूद थे। हिंदलवाई मंडल के मौजे गनाराम के तालाब में शगा पड़ गया। साबिक MLC भूपत रेड्डी ने इसका जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस तालाब के काम बरसर इख्तदार जमात के हामी गुत्तेदारों ने किया था और ये काम इंतहाई गैर म्यारी और नाकिस है, जिसकी वजह से ये शगा पैदा हुआ है और पानी की बड़ी मकदार जाया हो चुकी है। इंदलवाई मंडल के गनाराम मौजे में कल तालाब को गहरा शिगाव पड़ने पर साबिक MLC भूपत रेड्डी ने अपने हामियों के हमरा अचानक मुआयना किया। बरसर इख्तदार TRS पार्टी और अहदेदारों की काहली पर बरहम होते हुए बताया कि तालाब को शिगाव पड़ने से पानी का इखराज ज्यादा हो गया और आने वाली फसलों का नुकसान होने का खदशा है। बरसर इख्तदार पार्टी के हामियों को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कामों को नाकिस तौर पर मुकम्मल किया गया। इस काम की सही जांच के लिए अहदेदारों ने भी अदम दिलचस्पी ली और बिल पास कर दिया। ये बड़े ही अफसोस की बात है। हम विजिलेंस पार्टी से भी मुतालबा करते हैं कि इस तालाब की नाकिस तामीर की जाँच करे। इनके हमरा इंदलवाई कांग्रेस पार्टी सदर एम नवीन गौड़, ब्लॉक कांग्रेस सदर वेंकट रेड्डी, किसान खेत नायब सदर संतोष रेड्डी और पार्टी सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। गन्नाराम चेरू चाला रोज तरह निजा इंत संवस अलगेंटे मल्लि मुंने पद अलगे सो प्रजा गन्नाराम ग्रामस्थ पाप वाल रैत हापी फील ఏమంటే మాకు మా చెరువు నిండింది, మరి రెండు పంటలకు మాకు పుష్కలంగా నీళ్ళు ఉన్నాయి, మా గ్రామం అంతా కూడా మరి పంటలతో సమృద్ధి అభివృద్ధి చెందుతుందని అనుకున్నారు. పాపం వాళ్ళ అద్దు దురదృష్టం ఏంటంటే ఇంతకుముందు జరిగినటువంటి మిషన్ కాకతీయ పనుల వల్ల మరి గవర్నమెంట్ యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల ఏమైందంటే ఇక్కడ కట్ట మొత్తం కూడా కుంగిపోయి మొత్తం చెరువు కట్ట తెగిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది. 4-5 మీటర్లు మొత్తం కుంగిపోయింది, చెరువు అంతా నిండా ఉంది. మరి రైతులు అప్రమత్తం ఉండడం వల్ల మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ స్లూస్ ఏదైతే తూములు ఉన్నాయో తూములను పైకి లేపడము, తర్వాత అక్కడ ఏది మన ఈ అలుగు దవ్వేసి ఇప్పుడు నీళ్ళని బయట పంపించడం వల్ల ఈ చెరుకట్ట ఆగింది. అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ చెరుకట్ట ఇంకా కుంగిపోతుంది. 4 రోజుల నుండి నింపుతూనే ఉన్నారు. చెరువులో ఉన్నటువంటి దగ్గర ఒక 60% వాటర్ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయినాయి ఆల్రెడీ. సో దీంట్లో మేమేమనుకుంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు మిషన్ కాకతీయాల చేసినటువంటి పనులు ఈ చెరువు కట్టకు దగ్గరగా పెద్ద ఎత్తున గుంతలు తవ్వడం వల్ల ఇక్కడ గ్రామస్తులు వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు, చూసిన వాళ్ళు దగ్గర ఒక తాడి చెట్టు అంత అంటే ఒక కంబ కంటే ఎక్కువ ఒక 30 ఫీట్ లోపలికి గుంతలు తవ్వినట. సో అది దాంట్లో మరి ఈ మట్టి అంతా కూడా దాంట్లో స్లైడ్ అయిపోయి
एरपल्ली मंडल के मौजे पोचारा में दूपल्ली सोसाइटी चेयरमैन बूमरेड्डी ने धान की खरीदी के सरकारी मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने हुकूमत से ख्वाहिश की कि फौरी इन सरकारी मराकज को खाली थैले फराहम किए जाएं और किसानों से ख्वाहिश की कि वो इस मरकज पर ही अपने धान फरोख्त करें। एरपल्ली मंडल के पोचाराम में सरकारी धान खरीदी सेंटर का दूपल्ली सोसाइटी चेयरमैन भूमरेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर चेयरमैन भूमरेड्डी और सरपंच इंदिरा किरण ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से सोसाइटियों की क्यादत में धान खरीदी सेंटरों में ही किसान अपनी फसलों को फरोख्त करे और अपनी फसल की सही कीमत पाए, बाहर दलालों में फरोख्त करके धोखा ना खाए। इस सेंटर को कायम करने में माविन ओहदेदारों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। सोसाइटी चेयरमैन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द खाली थैले किसानों को फराहम करवाएं और राइस मिल वालों को हिदायत दी कि धान मिलिंग के लिए जल्द से जल्द धान मुंतकली का इंतजाम भी किया जाए। इस मौके पर इनके हमरा सोसाइटी डायरेक्टर्स एन रवि कुमार, जय सायन्ना, देवन्ना, अब्बैया और दीगर किसान भी मौजूद थे। दूपल्ली सोसाइटी परिधिलोने पोचारम ग्रामंलो वरी धान्यम कोनुगोलु केंद्रम प्रारंभिंचडम जरिगिंदि। रैतुलु चाला अष्ट कष्टालु पडुतुन्नारु ई वर्षालतोने। प्रभुत्वं कूडा नेनु प्रति गिंज वरकु कोंटानंटुंदि, कोनेदेदो दयचेसि తొందరగా తీసుకుంటే బాగుంటుందని ప్రతి ఒక్క రైతు ఆశపడుతున్నారు. మేము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్స్, చైర్మన్స్, ప్రజాప్రతినిధులు, సర్పంచులు అందరూ కృషి చేసి మేము ప్రతి గింజని మంచిగా ఆరబెట్టి 17 మ్యాచ్యూర్ మీద తాలు పొల్లులు లేకుండా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈరోజు మా పోచరం గ్రామంలో దూపల్లి సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కాట ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది. గత 10 రోజుల నుంచి కూడా మా రైతులు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందుల్లో, నష్టాల్లో ఉన్నారు. కంటిన్యూస్ గా కురుస్తున్న వర్షాలకి, స్పెషల్ గా గతంలో ఒక వారం క్రితం కురిసిన వర్షాలకే ఒక దెబ్బ తగిలితే మళ్ళీ రాత్రి కూడా ఒక పెద్ద వాన పడి తీవ్ర నష్టం జరిగింది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మా దూపల్ సొసైటీ చైర్మన్ గారు వీళ్ళని తొందరగా మా అలర్ట్మెంట్ తీసుకొచ్చి మా పోచారం గ్రామానికి ఈరోజు కాట ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది. నయపేట్ మండల్ కే మోజే బినోలా మే పిఎస్సిఎస్ వైస్ చైర్మన్ బాబర్ కే హాతో ధాన్ కి ఖరీదీ కే సర్కారీ మర్కజ్ కా ఇఫ్తితాహ్ అమల్ మే ఆయా. ఉన్హోనే బారిక్ ధాన్ కో ఏ గ్రేడ్ కే తహత్ ఖరీదనే కి ఖ్వాహిష్ జాహిర్ కి. ఉన్హోనే బతాయా కే ఇస్సే కిసాన్ నారాజ్ హై, లిహాజా ఇస్ మస్లే కో ఎంఎల్సీ కవితా ఔర్ ఎంఎల్ఏ మొహమ్మద్ షకీల్ ఆమిర్ కే ఇల్మ్ మే లాయా జాయేగా. नवीपेट मंडल के बिनोला में पीएसीएस वाइस चेयरमैन बाबर ने सरकारी धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए वाइस चेयरमैन बाबर ने बताया कि सेंटर में लिंगापुर, शाखापुर, सिरनपल्ली, जन्नापल्ली मौजजात के धान खरीदी की जाती है और बारीक धान को ए ग्रेड में शामिल करने के लिए ओहदेदारों के इल्म में लाते हुए इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। टीआरएस कायद बुचन्ना ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर किसानों की सहूलत के लिए गांव-गांव धान खरीदी सेंटर कायम करवा रहे हैं और बताया कि मोटे धान को ए ग्रेड और बारीक धान को बी ग्रेड में शामिल करने पर किसानों में नाराजगी है। इस नाराजगी को एमएलसी के कविता और बोधन एमएलए के इल्म में लाकर इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी और बताया कि शादी मुबारक, कल्याणा लक्ष्मी जैसी काबिल स्कीम से दुनिया भर में सताइश की जा रही है। इस प्रोग्राम में इनके हमरा लिंगापुर सरपंच बी सायलू, डायरेक्टर बालचंद्र गौड़, रमना राव टीआरएस कायदीन, एम गंगाधर, पृथ्वी राज, एमपीटीसी विजय और किसानों ने भी हिस्सा लिया। निजामपुर, लिंगापुर, शाखापुर, सिरनपल्ली, जन्नापल्ली, అదే విధంగా అనంతగిరి ఈ గ్రామాలకు వడ్ల కాటకు పూజ చేయడం జరిగింది. మా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు రైతులకు ఇబ్బంది కాకుండా సరైన సమయంలో మేము కాటలు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అదే విధంగా పలు చోట్ల రైతులు మాకు అడగడం జరిగింది, అయ్యా మాకు బీపీటీ వడ్లకు, సన్నకారి వడ్లకు మద్దతు ధర ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది. మేము కలెక్టర్ గారి దృష్టికి కానీ, మా ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి కానీ, మా మేడం కవితక్క దృష్టికి కానీ, అదేవిధంగా సీఎం దృష్టికి కానీ తీసుకెళ్తామని చెప్పడం జరిగింది. రైతుల పక్షాన మేము రైతులకు ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నాం, మన వడ్లు తరుగుపోకూడదు అంటే మనము మ్యాచరేంత వరకు మరి దాంట్లో కష్టం లేకుండా మనం వడ్లని మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటే ఎవరు కూడా, ఏ రైస్ మిల్లర్ కూడా తరుగు జోకడని చెప్పేసి
ప్రత్యేక హామీ నేను సొసైటీ ద్వారా ఇస్తున్నా మీ అందరికీ ఇస్తున్నాను అదే విధంగా ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆదేశానుసారము కొనుగోలు కేంద్రాలు నవీపేట్ మండలంలో అన్ని గ్రామాల్లో కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ రోజు కాటలను పూజ చేసుకుంటూ ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాలనే ప్రతి రైతు ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాలను అమ్మాలని చెప్పేసి మేము రైతులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము ఏదైతే ఉందో ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వము ధర నిర్ణయించడం గాని ఏ గ్రేడుకు 1888 బి గ్రేడుకు 1865 రూపాయలు ఈ ధర యొక్క ఈ ధర ప్రకారము కొనుగోలు కేంద్రాలలో అమ్మాలని చెప్పేసి రైతులందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఒక విషయం ఏంటంటే ఎక్కడ పోయినా రైతులు ఒకటే మాట మాట్లాడుతున్నారు ఏ గ్రేడ్ ధాన్యము సన్నాలు కొనాలి బి గ్రేడ్ ధాన్యము దొడ్డి కొనాలని చెప్పేసి రైతులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు ఆ విజ్ఞప్తిని మేము గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి గౌరవ ఎమ్మెల్సీ కవిత గారికి దృష్టికి తీసుకువెళ్తాము తీసుకువెళ్లి వారి ద్వారా మేము సీఎం గారి దృష్టికి కూడా తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము మా ఎమ్మెల్యే గారు మాకు ఇంతకు ముందే చెప్పిండ్రు అవును ఇది నా దృష్టికి వచ్చింది అని చెప్పేసి అక్కగారు కూడా చెప్పిండ్రు తప్పకుండా సీఎం గారికి చెప్దామని చెప్పిండ్రు ఈ విషయంలో వాళ్ళ ద్వారా సీఎం గారికి మేము ఈ విషయాన్ని తీసుకుపోతాము హైదరాబాద్. हैदराबाद में बारिश के बाद पैदा होने वाले कीचड़ और कचरे की निकासी में महकुमा जात का तसाहुल एमएस मक्ता की आवाम की शदीद बरहमी आवाम को खदशा है कि अदम सफाई की वजह से म्यां मोहल्लिक वबाएँ फैल सकती हैं कोरोना का खतरा भी मौजूद है लिहाजा अहदेदारों को तसाहुल न बरतना चाहिए. पंजागुट्टा एमएस मक्ता सुमाजीगुड़ा डिवीज़न के सैलाब जैसी सूरत हाल वो बारिश के बाद मुतासर इलाकों में माँ बाकी जमा पानी की अदम निकासी व सफाई में जीएचएमसी व दिगर महकमे जात नाकाम हो गए. मुकामी अवाम ने रियासती हुकूमत व अरबाब मजाज से सफाई व जमा पानी की निकासी का मुतालबा किया. गुज़िश्ता मुसलसल एक हफ्ते से जारी बारिश की वजह से एमएस मक्ता व अतराफ व अकनाफ के इलाके जात मुतासिर हुए तहां मुतासिर इलाकों की अवाम ने रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे जात पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ताहाल पानी कीचड़ व दिगर की निकासी में नाकाम है. मुकामी अवाम ने गंदे पानी की वजह से कई बीमारियों में मुब्तला होने के खदशात जाहिर किए हैं. मौजूदा हालत में कोरोना जैसी मोहलिक बीमारी जारी है ऐसी सूरत हाल में सरकारी महकमे की लापरवाही व तसाहुल मसाइल और बीमारियों में मजीद इजाफे का बाइस बन रहा है. इन हालात में मुकामी अवाम ने सफाई और रिलीफ के कामों को मौसर अंदाज में अंजाम देने की अपील की. पंजागुट्टा पोलीस स्टेशन एरिया मोतम वाटर रिटेन डेस पद रोज कंटिव वाटर रिटेन मोतम मूड रोजल के उल्टा रिटर्न टैंक बोन फुल उल्टा रिटर्न मूड रोजल के मोतम ब्लू आई रोड मैदान मोतम मोरीलिए गाइनाई मोर की सल्यूशन रोड तस्वीर सल्यूशन लेकिन मोटर आनाई हाफ एन अवर मतलब मोटर बंद आलरे మనం ఉండే డిజిటల్ పోయినాం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మొత్తం ఇది ఉంది మొత్తం ఆరు నెంబర్తో సహా సిక్ గ్యాస్ క్రియా 1240x3x2a/3e అంతర్ మస్జిద్ రోడ్ ఆరు మస్జిద్ దాకా కూడా మొత్తం వాటరే ఉన్నాయి ఎవరు నమాజ్ కూడా పోతలేదు ఫ్రైడే నుంచి ఫ్రైడే అయిపోయింది మళ్ళీ సాటర్డే సండే అయిపోయింది మంగళవారం రోజు ఈరోజు దాకా వాటర్ అడ్డనే ఉన్నాయి. टीएनजीओ हैदराबाद का एक अहम इजलास एमएस हुसैनी मुजीब ने बताया कि हैदराबाद की संगीन सैलाबी सूरत हाल में सरकारी मुलाजमीन ने मुख्तलिफ फलाही और रफाही खिदमात अंजाम दी हैं और रियासत हुकूमत का भरपूर ताउन किया है. उन्होंने कहा कि आइंदा भी मुमकिन हद तक राहतकारी के काम किए जाएंगे. टीएनटीवी भवन में सदर टीएनजीओ राजेंद्र की क्यादत में मौजूदा बारिश और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र खसूसी इजलास का इनेकाद अमल में आया. बादिजा सदर ग्रेटर हैदराबाद एसएम हुसैनी मुजीब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती सतह पर गुज़िश्ता कई यौम से जारी बारिश व सैलाब जैसी सूरत हाल में सरकारी मुलाजमीन की जानिब से मुख्तलिफ फलाही व रफाही खिदमात का आगाज किया गया. तंजीम की जानिब से हमेशा हर हाल में रियासती हुकूमत के साथ ताउन किया है. इसी तरीके पर अमल करते हुए बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदाद व राहतकारी खिदमात अंजाम दी जाएंगी. इस मौके पर तंजीम के दीगर जुम्मेदारान भी मौजूद थे. चीफ मिनिस्टर साहब जो पिछले 10 दिन से हैदराबाद में जो तूफान से जो भी नुकसान हुआ जानी माली नुकसान हुआ
तो उसके लिए 550 करोड़ जो चीफ मिनिस्टर साहब रिलीज करे उसको मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना NGOs भी आज ये आपके ज़रिए से हुकूमत को बताना चाह रहे कि भाई हर वक्त हम लोग मुश्किल के टाइम में सरकार के साथ ठहरे। पिछले कोविड में या इससे पहले जब केरला में भी परेशानी हुई थी तूफान की, तो जब भी हम लोग बहुत बड़ी मदद किए थे और स्टेट गवर्नमेंट को भी पिछले बार भी 50 करोड़ रुपये दिए थे एक दिन की तनख्वाह। तो कल स्टीयरिंग कमेटी रखी गई, उसमें फैसला लेके इंशाल्लाह फाइनेंशियल हेल्प करने की भी बात की गई। और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के मेरे जानिब से हम लोग 8 से 10 कॉलोनीस और बस्तीस आइडेंटिफाई करें, कल से हमारा काम शुरू हो रहा। पिछले 3 दिन से हम लोग काम कर रहे, बिल्कुल उसी नदीम कॉलोनी में भी हमारे खालिद साहब जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, और बारकस में हमारे मुफीन साहब है, और सरूनगर में बालदा साहब है। बहरहाल ये तमाम हमारे कायदीन काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी दूसरे जो हमारे साथी हैं उनके साथ मिलकर कोई भी तकलीफ़ में जितने भी हमारे लोग हैं उनको तकलीफ से बाहर लेके आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। बरकतपुरा में गुटके और जर्दे का भारी जखीरा बरामद करते हुए पुलिस ने जब्त कर लिया। इस कारोबार में मुलविस एक सियासी कायद की गिरफ्तारी अमल में आई। ये गुटका करीब 12 लाख मालियती है। आरमूर में गैर मजाज तामीरात की इतला पर चेयरपर्सन आरमूर बल्दिया और कमिश्नर बल्दिया का दौरा। उन्होंने तामीरी कामों का जायजा लिया और कहा कि बगैर इजाजत तामीर को मुनहदिम कर दिया जाएगा। उन्होंने तामीर इजाजत लेने की हिदायत दी। पोचाराम भास्कर रेड्डी के हाथों धान की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि धान सरकारी मराकज पर ही फरोख्त करें, क्योंकि हुकूमत बेहतरीन कीमत फराहम कर रही है। इंदलवाई तालाब में पड़ने वाले शिगाफ का साबिक़ MLC भूपत रेड्डी ने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गैर मियारी तामीर इस शिगाफ का सबब है। बरसर इख्तदार पार्टी के गुत्तेदारों ने ये काम किया था। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।